हरियाणा में नायब सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह करीब 1:15 बजे पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उनके साथ 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने बताया कि राजनीतिक हस्तियों के अलावा खिलाड़ियों, उद्योगपतियों, डॉक्टरों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी समारोह में बुलाया गया है। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग पहुंचेंगे। सुनिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, और शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक भी। चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी, लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं, और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती है।